हमने पढ़ा कि जो लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है, एक कन्वर्जिंग लेंस आपके सामने है, कन्वर्जिंग लेंस आपके सामने है, उसने जो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाई उसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस 4f पॉसिबल है। अब देखो ये रिजल्ट किस तरीके से सवाल में यूज हो सकता है, सबको क्लियर तो है ना, ये 4f कैसे आया है? इस स्टेप में सेपरेशन कम हो रहा था, इस स्टेप में सेपरेशन बढ़ने लगा, तो बीच वाले स्टेप में मिनिमम हुआ, बस यही है। अब देखो इस पे एक सवाल लेते हैं, इतने से पॉइंट पे क्वेश्चन ये है, इमेज ऑफ अ स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब एक छोटा सा कोई बल्ब है फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ अ रूम एक रूम की एक दीवार पे एक कोई बल्ब फिक्स है, एक बल्ब लगा हुआ है सिंपली, उसकी इमेज इज टू बी ऑब्टेन्ड ऑन द अपोजिट वॉल, सामने बिल्कुल उसके सामने कोई एक दीवार है, कितनी दूर है वो दीवार? 3 मीटर अवे। सामने 3 मीटर दूर एक दीवार है, उस पे इसकी इमेज आपको चाहिए, किस तरह से चाहिए? बाई यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की मदद से आपको ये चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ ऑफ द लेंस? कीजिए, सवाल अटेम्प्ट कीजिए। रिजल्ट यहां लिखा हुआ है उसी का कुछ। 0.75। अच्छा, वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है ये पता लगा कि ये पता ही नहीं लगा? ये एक दीवार है, यहां एक बल्ब है जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, सामने एक दीवार है 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर दूर, और आपको कोई एक लेंस लेना है जिसकी की फोकल लेंथ एफ है। तो देखो ये जो दूरी है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में ये फिक्स है, ये हमारा 300 सेंटीमीटर फिक्स है। अगर आप एक रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज देख रहे हो, तो हमने पढ़ा था ना अभी कि ये जो डिस्टेंस होती है डी, ये मिनिमम डिस्टेंस 4f है, यानी कि डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4f। क्या ये समझ आ गया है? क्या होता है कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक ऑप्शन मैक्सिमम का आंसर दे रखा होता है, एक ऑप्शन मिनिमम का आंसर दे रखा होता है, तो फिर वहां पे हम अटक जाते हैं, वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ आया क्या?
चार ऑप्शंस में से ही एक मैक्सिमम एक मिनिमम, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। तो अब सुनो, अगर आप ये वाला केस जानते हो तो ये मिनिमम डिस्टेंस है, मतलब डी या तो इतना होगा या इससे ज्यादा, ठीक है। यहां से आपका एफ कितना आ गया, लेस देन और इक्वल टू डी बाई फोर, यानी कि एफ इज लेस देन और इक्वल टू 300 सेंटीमीटर बटे चार, कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। Yes, sir. अब ये मिनिमम आया कि मैक्सिमम, एफ या तो इतना हो या इससे कम हो, मैक्सिमम। हाँ, मतलब ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। चार ऑप्शंस में कई बार एक एफ मिनिमम 75 दे दे, एक एक्स मैक्सिमम 75 दे दे, तो वहां पे फिर हम अटक जाएंगे। तो हमें देखना आना चाहिए, तो एफ इतना हो या इससे कम हो, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, एफ मैक्सिमम आई एंड दैट इज 75 सेंटीमीटर। तो ढंग से ये इनइक्वालिटीज का यूज करते हुए आप ये नोट कीजिए। एक मिनट, बोर्ड पर रिजल्ट देखो क्या लिखा है, एक बार उस अंग्रेजी को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करें। तो सर आपने एफ मैक्सिमम कैसे कर दिया लास्ट में, एक बार फिर दोबारा से आप सोचिए जो जो लिखा है, फिर मैं बताता हूँ आपको। देखो मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको, ये हमें अभी ये रिजल्ट मिला था, शुरू में ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो डी 4f से ज्यादा होगा, एक स्टेज आई बस जब ये 4f हुआ, उसके बाद इमेज तेज भाग ली तो डी फिर से 4f से ज्यादा है। तो बताओ ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज के बीच कम से कम दूरी कितनी मिली आपको, 4f, लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस आपको मिली 4f, यानी कि D या तो 4f ही है या 4f से ज्यादा है, क्या इतनी बात समझ आ गई। Yes, sir. तो मैंने लिखा D is greater than or equal to 4f, इसको आप यूं लिख सकते हो, 4 को इधर ले आओ, तो D by 4 is greater than or equal to f, D by 4 is greater than or equal to f को यूं भी बोल सकते हैं, f is less than or equal to D by 4, है ना, यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है। No, sir. D की वैल्यू रखी थी, आया f is less than or equal to 75 सेंटीमीटर। अब आप इसको जस्ट बोल के देखो, एफ या तो 75 सेंटीमीटर हो या इससे कम हो, तो 75 सेंटीमीटर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम, तो बस यही है। ओके सर, हाँ भाई ये बताओ ये सभी को समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है ये वाला सवाल, ये कॉन्सेप्ट। यस सर, ठीक है, इसी पे बेस्ड, क्या कह रहे हो सर, मिनिमम नहीं, मिनिमम कितनी ले लो, एफ मैक्सिमम है, लिमिट ये है, इससे छोटी आपकी कितनी वैल्यू ले लो, 10 ले लो, 5 ले लो, जो आप बना सको, ठीक है, लिमिट केवल मैक्सिमम लिमिट आई है। अच्छा, इसी टॉपिक से हमने अभी तो केवल कन्वर्जिंग लेंस लिया, उसकी टेबल बनाई, उससे एक पॉइंट मिला, इस पॉइंट से ही एक टॉपिक बन जाता है जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस, यहीं से एक मेथड सामने आता है, डिस्प्लेसमेंट मेथड टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस। एक कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ कैसे निकालनी है वो देखना है। सपोज ये ऑब्जेक्ट वाली
वॉल है और सामने स्क्रीन है, मतलब सामने वाली वॉल, यहाँ ऑब्जेक्ट वाली दीवार है और इन दोनों के बीच की दूरी आपने थोड़ी ज़्यादा ली है ताकि वो कभी 4f से कम ना हो जाए। पहले से ही हम d को थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं ताकि ये 4f से तो ज़्यादा रहे। मान लो आपने यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज आपने यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है और ऑब्जेक्ट का साइज है h। आप लेंस को डिस्प्लेस करते हुए चले, यहां से उस कॉन्वेक्स लेंस को लेके चले, स्क्रीन पे नजर रखें कि कब इसकी एक शार्प इमेज मिलती है। सपोज पहली बार आपको लेंस की एक पोजीशन मिली मिड पॉइंट से भी पहले, इस पोजीशन को मैंने नाम दिया L1। मैंने कहा ये दूरी x है तो ये दूरी कितनी बची, d-x। इस वक्त v दिख रहा है हमें, बड़ा है, v बड़ा दिख रहा है तो जो इमेज है वो बड़ी नजर आएगी स्क्रीन पे। मान लो ये साइज इसका h1 है, h1 जो है वो h से बड़ा होगा। एक बार बताओ फर्स्ट पोजीशन क्लियर है लेंस की क्या है क्या नहीं? Yes। उसके बाद मैं फिर से वही चीजें नीचे दिखाता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है यहाँ रखा है दीवार पे, ऑब्जेक्ट का साइज है एच, सामने वही स्क्रीन वाली लाइन। दोबारा जब आप लेंस को मिड पॉइंट क्रॉस करवा के आगे लेके जाओगे इस तरह से कि ये दूरी एक्स रह जाए, इंटरचेंज हो जाए, और ये दूरी कितनी हो जाए, डी माइनस एक्स, वो दूरी x रह जाए और ये d-x हो जाए। ये नई पोजीशन को आपने L2 बोला। एक बार फिर से आपको शार्प इमेज नजर आएगी, लेकिन इस बार इमेज छोटी होगी। क्यों छोटी होगी? इस बार इमेज ऑब्जेक्ट से भी बहुत छोटी होगी। क्यों होगी छोटी बताओ, क्या v कम है कि नहीं इस बार डायग्राम में? v कम है तो ऑब्जेक्ट है वो 2f1 से ज्यादा दूर है, ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूरी पे है लेंस से, तो इसलिए इमेज का v by u एक से छोटा है, तो जो h2 है दैट इज लेस देन h। सपोज इन दो पोजीशंस के बीच का सेपरेशन है d। पहली बात, ये दो पोजीशन तभी मिलेंगी व्हेन d इज ग्रेटर देन 4f। अगर d इक्वल टू 4f है तो एक ही पोजीशन मिलेगी, और अगर d लेस देन 4f है तो एक भी पोजीशन नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर d लेस देन 4f है तो क्या ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज मिलने के चांस है? नो सर। और d इक्वल टू ही 4f कर दो तो लेंस को बीच में रखोगे तो 2f पे ऑब्जेक्ट है, 2f पे इमेज, तो ये वाला केस तब बनेगा व्हेन d इज ग्रेटर देन 4f। अब यहां पे मैं आपको दो रिजल्ट्स बताता हूं। पहला रिजल्ट, इसे डिस्प्लेसमेंट मेथड क्यों बोल रहे हैं समझ आ रहा है आपको? हमें डिस्प्लेसमेंट मेथड क्यों बोल रहे हैं ये समझ आ रहा है क्या? आप लेंस को डिस्प्लेस करके आगे लेके जा रहे हो। तो पहला रिजल्ट, f इज इक्वल टू d² - d² / 4d। d तो क्या चीज है? ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी। स्मॉल d क्या चीज है? लेंस की जो दो पोजीशंस आपको मिली हैं, लेंस की जो दो पोजीशंस आपको मिली हैं उनके बीच की दूरी, जब शार्प इमेज स्क्रीन पे मिला है। तो पहली चीज तो ये है। और आप इसमें देखो, इसी का एक स्पेशल केस मैं बनाता हूँ इस रिजल्ट का। अगर मान लो स्मॉल डी जीरो हो, स्मॉल डी जीरो कब होगा? जब कैपिटल डी, हाँ, जब कैपिटल डी इक्वल टू 4f आपने ले लिया,
तो उस वक्त तो ए की पोजीशन मिलेगी, और ए की पोजीशन मिलेगी तो स्मॉल डी कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए कि नहीं बताओ। ठीक है, इसमें रख के देखो स्मॉल डी जीरो, इस इक्वेशन में रख के देखो एफ बराबर डी स्क्वायर बाई फोर डी, तो एफ बराबर कितना आ गया, आ गया यहां से। क्या आप यही केस नहीं लेके चल रहे हैं? यस सर। यानी कि अगर एक ही पोजीशन है तो मिड पॉइंट पे होगी, और अगर एक भी पोजीशन नहीं है तो आपने डी फोर एफ से भी कम ले रखा है। अच्छा, दूसरा रिजल्ट ये है कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसको हाइट ऑफ इमेज से रिलेट करो तो एच आपका बनता है अंडर रूट ऑफ एच वन इंटू एच टू। सबसे पहले तो आप ढंग से डायग्राम बना के और अपने रिजल्ट्स नोट कीजिए, फिर मैं आगे इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा। लिख लो Recording stopped. अच्छा, ये जो दोनों रिजल्ट्स हैं ये आपको डराइव करने हैं, ये होमवर्क है कल तक के लिए। कैसे करोगे उसकी हिंट मैं आपको देता हूं। उसका पहला रिजल्ट लाने के लिए आप लेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे इसमें बताओ, इसमें बताओ यू कितना, माइनस एक्स, वी कितना, लेकिन अब मुझे तो ये स्मॉल डी इंट्रोड्यूस करना होगा। देखो ये बीच की दूरी डी है, ये बीच की दूरी डी दिख रही है, पूरी कितनी है, कैपिटल डी माइनस डी माइनस डी, कैपिटल डी, तो इसमें से ये घटाओगे तो बाहर बाहर की कितनी बचेगी, डी माइनस डी, और ये दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर है तो ये भी कितनी बची, डी माइनस डी बाई टू। समझ आ गया, समझ आ रहा है क्या? आप लेंस इक्वेशन लगाओगे और जहां भी एक्स आ रहा है एक्स की जगह क्या रख दोगे, डी माइनस डी माइनस डी माइनस डी बाई टू, एक्स और एक्स मिलके डी माइनस डी है। समझ गए हो? yes, करोगे yes, ना करोगे, एक से ही हो जाएगा, बस एक्स को डी माइनस डी बाई टू रखना है और वी यू ढंग से देखना ये आएगा। करोगे ये वाला काम? yes, नहीं तो हम अगली क्लास में करेंगे। दूसरी बात, एच बराबर अंडर रूट एच वन एच टू, ये भी सुन लो कैसे करना है। मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन बाय डेफिनेशन होगा माइनस एच वन बाई एच, माइनस इसलिए कि इन्वर्टेड इमेज है, लेकिन फॉर्मूले से आप कर दोगे वी बाई यू वो देख के, फिर दूसरी बार फिर से करोगे माइनस एच टू बाई एच, फॉर्मूले से कर दोगे वी बाई यू
उन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करना, उससे ही आ जाएगा। कर लोगे ये वाला काम? यस सर। या मैं करवाऊँ अभी? बताओ। सर्कल करना है, ये करना है, करना है, ये खुद ही करना है, ठीक है ना? कल बता देना। नहीं, कल आप खुद करके रखना है, नहीं होता है तो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई? आगे हम कल पढ़ते हैं। ओके भाई। यस सर।